नमस्कार दोस्तों, एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का हम मीनिंग देखेंगे कि क्या होता है, और फिर इसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी वो हम देखेंगे, और कॉन्सेप्चुअली जो है जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी है वो सारा हम आज के इस सेशन में देखने जा रहे हैं। परम्यूटेशन का क्या मतलब है? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब आप जो है किसी चीज को, कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं तो आप उनको अरेंज कैसे करते हैं, तो ये परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में भी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि हमें, अगर मान रखिए कि कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, अवेलेबल हैं हमारे पास, तो हम उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने डिफरेंट तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास हो गया, तो अरेंजमेंट्स परम्यूटेशंस का मतलब हो गया। जबकि ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, तो जहां पर आपको सेलेक्ट करने की बात कहेंगे तो ये जो है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस हो गया, उसमें हम कॉम्बिनेशंस लगाएंगे। ठीक है, अब जो है परम्यूटेशंस में क्या यूज होता है, परम्यूटेशंस में और कॉम्बिनेशंस में, दोनों में एक कॉमन चीज है जो कि यूज होता है, वो है फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। तो मान रखिए कि आपके पास ये जो है ये फैक्टोरियल नोटेशन को डिनोट करता है। फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो है, इसका मतलब होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। इस तरह से हम कहां तक जा सकते हैं, तो ये जो है आप 3 इंटू टू इंटू वन, मतलब 1 तक जाएंगे। ठीक है, तो n फैक्टोरियल का ये मतलब होता है, यहां पर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है यही जो है फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल बेसिकली है क्या? फैक्टोरियल एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है। जैसे आपने देखा होगा कि रूट अंडर जैसे होता है, तो रूट अंडर एक ऑपरेशन है, जैसे आपने रूट अंडर 4 लिखा, तो ये क्या है, ये भी एक ऑपरेशन है, ये रूट अंडर एक ऑपरेशन है। ठीक है, डिवीजन एक ऑपरेशन है, प्लस एक ऑपरेशन है। ठीक है, लेकिन ये सभी क्या है कि ये किसी दो चीजों के बीच में लगते हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ एक ही चीज पे लगता है। देखिए, तो ये जो है ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन सिमिलर सा है, तो हम जो है ये फैक्टोरियल नोटेशन एक ऑपरेशन है, इसको समझने में दिक्कत नहीं है, और इसका इसकी जो वैल्यू हम जब निकालने जाएंगे तो हमें जो है ऑपोजिट ऑर्डर में इनको लिखना होता है। ठीक है, तो आप जो है इनको ऑपोजिट ऑर्डर में लिख देंगे। अब यहां पर ये तो ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, तो यहां पर जो है अब एक चीज देखिए, n फैक्टोरियल को कई बार ही जो है ये इस तरह से भी लिखा जाता है, तो ये ओल्ड वे ऑफ राइटिंग है, एंशियंट मेथड टू रिप्रेजेंट फैक्टोरियल नोटेशन है, पर अब जो है इसको आप देखेंगे कि मोस्टली बुक्स में ये यूज होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये भी मिलता है कहीं पर, ये वाला सिंबल अगर मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, वो दोनों ही सेम ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जैसे बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि भाई फैक्टोरियल नोटेशन का क्या मतलब है, लेकिन हम जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं,
मान रखिए कि आपके पास 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये जो है टोटल मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान रखिए कि 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। तो 120 हमें मिल गया 5 फैक्टोरियल के लिए, एंड सो ऑन। आप कितने भी मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं, उनका फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक ऑपरेशन है, इसका ये मतलब है कि आप ऑपोजिट ऑर्डर में जो भी नंबर दिया हुआ है, अब 10 दिया हुआ है तो हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। 1 के नीचे नहीं जाएंगे, 0 आ जाएगा और वो सारे काम को खराब कर देगा, इसलिए हम 0 तक नहीं जाएंगे। और डेफिनेशन भी इसका यही है कि 1 तक जाना है आपको, ठीक है। तो फिर सवाल ये होता है कि कई बार तो आपके पास ये जो है 0 फैक्टोरियल भी आ सकता है। आप देखेंगे कि जब हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पर फॉर्मूला ऐसा होगा कई बारी कि सिचुएशन ऐसा बनेगा कि आपको 0 फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि 0 फैक्टोरियल को आप क्या लेंगे। तो 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। बाकी सभी के लिए आप ये मेथड लगा सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको 1 फैक्टोरियल चाहिए होगा तो वो आपको 1 ही देगा, ठीक है। जबकि अगर आपको 2 फैक्टोरियल चाहिए होगा तो ये 2 इंटू 1 बेसिकली ये भी आपको 2 ही दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हम जो है बाकियों को तो सिंपली जैसे ये फॉर्मूला है तो ये हम लगा के निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास 0 फैक्टोरियल के लिए ये याद रखने की जरूरत होगी, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है बाय डिफॉल्ट, वी नीड टू मेमोराइज इट, वी नीड टू रिमेम्बर इट, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि ये जो n है यहां पर, ये n हमेशा आपका होल नंबर होगा, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स 0, 1, 2 एंड सो ऑन, यही होते हैं होल नंबर्स। तो मतलब हमारे पास 0 हो सकता है, ये तो 0 फैक्टोरियल हमने देख लिया, 1 हो सकता है, 1 फैक्टोरियल हमने देख लिया। बाकियों के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2 फैक्टोरियल भी 2 के बराबर होता है, उसके बाद चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं, बहुत तेजी से नंबर्स मतलब इनकी वैल्यूज बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, उसके बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में जो है आपके पास क्या होता है वो देखते हैं। मतलब अगर आपके पास मान रखिए कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आपको उनको अरेंज करना है, मतलब r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उनमें से मतलब n ऑब्जेक्ट्स हमने लिया और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है, मान रखिए, ठीक है। मतलब व्हाट वी हैव गिवन कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमें दिया हुआ है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अगर हमें दिया हुआ है और हमें कहते हैं कि इनमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करिए, r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड, देखिए n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला होता है npr, npr।
परम्यूटेशन हो गया। ध्यान रखने के लिए आप ये रख सकते हैं कि भाई पी है, यहाँ परम्यूटेशन लग रहा है, अरेंजमेंट लग रहा है। अरेंजमेंट के लिए कह रहे हैं क्योंकि हमें अरेंज्ड आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो इसीलिए एनपीआर हो गया। इसका ये फॉर्मूला होता है कि एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी जो कैलकुलेशन हमने अभी डिस्कस किया था फैक्टोरियल नोटेशन का, वही सारा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है मान रखिए कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको फोर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको टू ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो आप 4p2 लिखेंगे, तो 4p2 मतलब 4 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब इनको हम सॉल्व करें अगर, तो वी विल हैव 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। चूंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है तो हम इस 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक ही खोलते हैं ताकि ये जो है हम बाद में कैंसिल करा पाए। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो देर आर 12 नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन ऑब्जेक्ट वी कैन अरेंज टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, बट द थिंग इज कि ये सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखना है एनपीआर, मतलब अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम उनमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उनको अगर हमें अरेंज करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एनपीआर का। ठीक है, अब मान रखिए कि हमारे पास यहां पर अरेंजमेंट में अभी एक बात ये है कि हमने रिपीटेशन नहीं लिया। अगर हमें रिपीटेशन अलाउड है तो हम क्या करेंगे, रिपीटेशन अगर हमारे पास अलाउड होगा तो हम क्या करेंगे। रिपीटेशन अगर हमारे पास अलाउड होगा, यहां पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, राइट, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि रिपीटेशन यहां पर अलाउड नहीं है। अब जो है रिपीटेशन अलाउड करके हम देखते हैं कि रिपीटेशन जब अलाउड हो गया तो फिर ये कितने तरीके से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकता है। ठीक है, तो जैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं और r ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करना है और रिपीटेशन भी अलाउड है, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और यहां पर जो है r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमने लिया, यहां पर हमने क्या किया कि रिपीटेशन जो है वो अलाउ कर दिया, रिपीटेशन अलाउड हो गया। तो रिपीटेशन जैसे ही अलाउड हो गया तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स will be equal to n power r। ये n की पावर r है। मान रखिए कि आपके पास 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आउट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिया और रिपीटेशन भी हमने अलाउड रखा, तो हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, 10 पावर 2, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिपीटेशन जब अलाउड है तो हमने देख लिया कि क्या हमें करना पड़ता है, रिपीटेशन जब हमारा अलाउड है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये आपको पता चल गया। अब जो है हमें कई बारी सर्कुलर परम्यूटेशंस के बेसिस पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम देखते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस के बेसिस पर, जैसे n ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनको हमें एक सर्कल में अरेंज करना है, तो वो कैसे हम निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है
तो सर्कुलर परम्यूटेशन में हो जाता है एन माइनस वन होल फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनको एक सर्कल में हमें अरेंज करना है तो टू फैक्टोरियल वेज में ही हम अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन के बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जो है हमने क्या कंसीडर किया कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और हमने सारे ही लिए। अगर मान रखिए कि हमें आर ऑब्जेक्ट्स को ही लेना है तो इन दैट केस देयर विल बी स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द फॉर्मूला। वो क्या होगा, वो होगा कि एन पी आर बाय आर, मतलब अगर हमने आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को लिया सर्कुलर परम्यूटेशन में, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑल टेकन एट अ टाइम, टेकन एट अ टाइम, अब मान रखिए कि हम अगर आर ऑब्जेक्ट्स को लेंगे, ठीक है, आर ऑब्जेक्ट्स को लिया तो हमारे पास यहां पर जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होगा सर्कुलर परम्यूटेशन का, तो वो चेंज होके क्या बन जाएगा, हम लेंगे एनपी आर बाय आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है कब, जब हम आर ऑब्जेक्ट्स को लेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए, ठीक है। जैसे टेन ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, उनमें से हमें मान रखिए कि पांच को ही लेना है, पांच को ही हमें यूज करना है, तो हम टेन पी फाइव और बाय फाइव करेंगे, ठीक है। तो हमें आर ऑब्जेक्ट्स मतलब फाइव ऑब्जेक्ट्स को आउट ऑफ टेन ऑब्जेक्ट्स हम एक सर्कल पर कैसे बिठाएंगे, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट्स में मोस्टली हमारे पास इस तरह का आ जाता है, तो उस केस में हमें जो है ऐसे परम्यूटेशंस लगाने की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं कि मान रखिए हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन क्या ही केस चल रहा है। सर्कुलर परम्यूटेशन में हमें ये दे दिया कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर क्या है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर हम ये मानते हैं कि क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी आप बोल सकते हैं, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ये सेम मान रहे हैं, ठीक है, अगर ये सेम मान रहे हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इसका क्या हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल और अपॉन में हो जाएगा टू। टू क्यों, क्योंकि यहां पर जो है ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये हमने अलग अलग काउंट किए हुए हैं, तो आधा वो होगा और आधा वो होगा, मतलब आधे आधे में बट जाएगा। तो इसलिए जो है हमारे पास ये है कि उसको टू से डिवाइड करा देंगे, क्योंकि हमने अभी क्या लिया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला सेम है। तो ये कब होगा, जब नेकलेस की कैसे संबंधित जो है क्वेश्चन आएंगे आपके पास, नेकलेस से रिलेटेड जब आएंगे तो नेकलेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन जब हम सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मायने रखता है। तो इसीलिए हमें दोनों में बहुत ध्यान से देख के करना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट में एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने अरेंज किया तो एन माइनस वन फैक्टोरियल वेज में आपको करना पड़ेगा। आर ऑब्जेक्ट्स उनमें से लेके किया, सर्कल पर ही किया, मान रखिए हमारे पास जो बैठने की जगह है उस पर हम 10 जनों को ही बिठा सकते हैं एक साथ, लेकिन हमारे पास जो गेस्ट हैं 25 हैं, तो हमें फिर इस तरह का काम करना पड़ेगा कि 20 में से हम 10 को पहले सेलेक्ट करें और फिर हम जो है उसको 10 से डिवाइड करा दें, तो फिर हमें ये मिल जाएगा। फिर अगर मान रखिए कि एक नेकलेस है, उसमें बीड के अरेंजमेंट्स को हमें देखना है कि कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो वो हम एन माइनस वन फैक्टोरियल बाय टू वेज में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर परम्यूटेशंस में इस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अब हम आ जाते हैं, ये सर्कुलर परम्यूटेशन से रिलेटेड आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो है हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कि अगर मान रखिए हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से कुछ कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस समय हम कैसे करेंगे अरेंजमेंट, ठीक है। तो मान रखिए कि हमारे पास यहां पर है एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं,
ठीक है, इनमें से जो है P1 एक तरह का है, R अलाइक, P1 R ऑफ वन काइंड हम ले लेते हैं, या P1 R अलाइक भी लिख सकते हैं। तो P1 R अलाइक, ठीक है, यहां पर हम P2 को ले लेते हैं, P2 R अलाइक, फिर हम ले लेते हैं P3 R अलाइक, ठीक है, एंड रेस्ट आर डिफरेंट। ठीक है, अभी यही मान लेते हैं कि बाकी सारे जो है वो डिफरेंट हैं, तो रेस्ट आर डिफरेंट, सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमें जो है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, अगर हमें एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनमें से हमें पी वन एक तरह का है, पी टू दूसरे तरह के हैं, पी थ्री तीसरे तरह के हैं, और बाकी सारे जो है डिफरेंट हैं। मतलब अगर आप पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री करें तो भी आपको एन के बराबर नहीं आएगा, थोड़े और भी हैं। ठीक है, या फिर अगर ये हम रेस्ट वाला हटा दें तो ये जो है हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। लेकिन हमें फॉर्मूला दोनों ही केसेस में, मतलब या तो इनके सम जो है वो एन के बराबर हो जाए तो भी, या फिर हमें कुछ और भी एडिशनली बच जाएं जो कि सारे डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स बचें, मतलब P1 अलग एक तरह के हो जाए, P2 एक तरह के हो जाए, P3 एक तरह के हो जाएं और बाकी सारे अलग हो जाएं n ऑब्जेक्ट्स में से, तो हमें फॉर्मूला लेकिन सेम ही यूज करना है दोनों ही केसेस में। यहां पर ये फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल बाय P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल एंड P3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर इसमें और भी कोई ऐसा होता तो हम जो है इसमें और भी बढ़ाते जाते। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि मान रखिए कि आपको दिया हुआ है एक वर्ड जिसमें कि रिपीटेशन है, ये है एप्पल। ठीक है, तो एप्पल में कितने लेटर्स हैं, फाइव लेटर्स हैं, इनमें से पी की रिपीटेशन है दो बारी, ठीक है, बाकी सारे अलग अलग हैं। तो हम जो है इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना लिखेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखने हैं तो एप्पल के लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं वो अगर हमें पता करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, तो हम जो है यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव, तो एन हमारा हो गया फाइव, और यहां पर जो है पी वन हो गया टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमने देखा था फाइव फैक्टोरियल तो 120 के बराबर होता है, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 60। तो 60 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं एप्पल के लेटर्स को आपस में अरेंज करके। ठीक है, तो ये है हमारा, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एन ऑब्जेक्ट्स मतलब एन लेटर्स आपके पास हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हो सकता है, मान रखिए कि आपको कुछ नंबर ऑफ डिस्क दे दिए या बॉल्स दे दिए, उनको आपको अरेंज करने के लिए कह देंगे, उनमें ये बता देंगे कि इतने बॉल सेम काइंड के हैं, मतलब कुछ सेम काइंड के हैं, वन काइंड के हैं, सेकेंड काइंड के हैं, थर्ड काइंड के हैं, नंबर ऑफ बॉल्स आपको दे देंगे, तो आपको जितना रिपीटेशन होगा वो P1, P2, P3 इन सब की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखने होंगे और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दिस फॉर्मूला इज नीडेड देयर। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास जब आपके पास रिपीटेशन हो। ठीक है, रिपीटेशन मतलब अलाइक सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास, जो भी हमें अरेंज करने के लिए दिया गया है उनमें से कुछ अगर सिमिलर हैं तो इस तरह का हमें करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, अभी हमने परम्यूटेशंस के देख लिए, तो परम्यूटेशंस में बेसिकली यही सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द सर्कुलर परम्यूटेशंस जिनमें की थोड़े केसेस हमें होते हैं, बाकी आपके पास एनपीआर फॉर्मूला लगता है, वो सारे हमने देख लिए। अब जो है हमारे पास आता है सेलेक्शन की बारी, सेलेक्शन हम
कितने तरीके से कर सकते हैं ये अब हम करेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखिए सिलेक्शंस के लिए हम जो है कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए हमें जो है एनसीआर, ठीक है, यहां पर जैसे हम लिखेंगे एनसीआर, ठीक है, ये फॉर्मूला है एनसीआर। अब इसका जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू हमारे पास है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये है हमारे पास फॉर्मूला इसका, ठीक है। बाकी जो फैक्टोरियल के बारे में हमने सीखा सबसे पहले आज के सेशन के बिगनिंग में जो सीखा था वही सारा यहां पर यूज होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले का मतलब हम समझ लेते हैं। इस फॉर्मूले का मतलब है कि आपको अगर r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से आपके पास नंबर ऑफ वेज इन विच आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड, कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डिसिमिलर होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए। डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर सिमिलरिटी है तो फिर हमें अलग फॉर्मूला लगेगा, तो यूजुअली वो सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन पूछते नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो जाता है इसीलिए। अब जो है हम देखते हैं कि एनसीआर पर के बेसिस पर कुछ कुछ की क्या क्या इसमें हम और ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे ये तो फॉर्मूला था हमारे पास एनसीआर इज इक्वल टू, तो ये तो ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये है कि अगर एनसी जीरो दिया हुआ है, मतलब हमने कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आप देखिए तो एन फैक्टोरियल बाय जीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो होल फैक्टोरियल, तो ये जो है एन फैक्टोरियल बाय जीरो फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल हो गया। एन फैक्टोरियल को कैंसिल करा दीजिए, वन हो जाएगा। इसको अभी देखा था ना हमने कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, ठीक है। तो ये जो है एन सी जीरो हमारा वन होता है। सिमिलर थिंग विल हैपन विद एन सी एन, एन सी एन की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो भी आपके पास यहां पर क्या आएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस एन होल फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, तो ये मिलके वन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि एन सी जीरो जो है वो एन सी एन के बराबर है। ये फॉर्मूले, मतलब ये वैल्यूज अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसे हम इसके लिए और आगे जाके ये देखते हैं कि हमें ये दिया हुआ है, मान रखिए कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई है, ठीक है। तो या तो एक्स जो है वाई के बराबर होगा या फिर हमारे पास एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के बराबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है, तो ये अगर आपको देखिए यहां पर एन सी एक्स जो है क्या है, एन सी एक्स जो है वो एन सी वाई के बराबर है। अब हमने अभी देखा कि आप जो है इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो बेसिकली अगर जाएं हम तो एन सी R इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के बराबर होगा, ये हमेशा सही होगा। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहां पर हम y के लिए यूज कर लें तो एन सी एन माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स वाई के बराबर अगर है तब तो फिर ये दोनों बराबर ही हैं क्योंकि n दोनों के बराबर है,
तो वो चीज एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो ये वाला हम स्किप करेंगे और हम फिर यहां से यहां पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस y, तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू n। तो यही है, यहां से हमें ये मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे ये होता है। कई बारी हमें एनसीआर से रिलेटेड एक और चीज होती है कि जैसे अगर हमने एनसी जीरो प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री इस तरह से करके एनसी एन तक निकाला, ठीक है, तो उसके वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो हम जो है वो देखना चाह रहे हैं कि कितनी वैल्यू आपके पास आएगा अगर हमें ये दिया हुआ है कि एनसी जीरो प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री प्लस एनसी फोर प्लस सो ऑन प्लस एनसी एन। तो इस सभी की वैल्यू मतलब सम जो है हमारा होता है टू पावर एन। तो ये आप जो है अगर ध्यान रखेंगे तो ये इसके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। तो वो मतलब देखने वाली बात होती है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए एनसी जीरो प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू इस तरह से एनसी एन तक जब जाएंगे आप तो उनका सम करेंगे तो टू पावर एन आता है सम, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें कि एनसी आर है हमारे पास, एनसी आर और एनपी आर, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, कौन बड़ा है। अगर आप देखिए तो एनसीआर बड़ा है कि एनपीआर बड़ा है, तो हमारे पास एनसीआर जो है वो एनपीआर से छोटा होता है। क्यों होता है आप देखिए यहां पर अगर फॉर्मूला देखिए तो एन फैक्टोरियल है बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल है, किसका, एनसीआर का। और एनपीआर क्या है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो इसमें जो है यहां देखिए डिनोमिनेटर में मतलब इसके डिनोमिनेटर में ये आर फैक्टोरियल ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बराबर करना चाहते हैं दोनों साइड अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब आर फैक्टोरियल टाइम्स एनसीआर जो है वो एनपीआर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेसिक कंसेप्ट्स थे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ये बेसिक कंसेप्ट्स थे जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है अगर आप अच्छे से करेंगे तो। कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ताकि ये जो है जो जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं वो सारा थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। तो यहां पर जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं कि हमें एक वर्ड दिया हुआ है, दिल्ली से ही शुरू करते हैं, मान रखिए हमें दिया हुआ है दिल्ली, इनके लेटर्स को अरेंज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग, तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो दिल्ली में कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं और ये सारे डिफरेंट हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो बना सकते हैं दिल्ली के लेटर्स को यूज करके तो वो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा जो कि 120 के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास मान रखिए कि एक क्वेश्चन है पेंटागन, पेंटागन में देखिए कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं हमारे पास पेंटागन में। तो अब ये सारे डिफरेंट हैं या सेम भी हैं, तो ये सेम भी है, इसमें देखिए आपके पास ये n और ये n सेम हो गया,
और तो बाकी सारे अलग है, पी अलग है, ई अलग है, ए अलग है, जी ओ अलग है। तो हम जो है इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, तो अगर आपने बढ़िया से इस सेशन को देखा है तो आपको एप्पल वाले केस जैसा हो गया ये। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 फैक्टोरियल तो होना ही है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, वो जो दो पी दो जो एन के लिए रिपीटेशन है, ठीक है, दो जो है एन की रिपीटेशन है, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल तक खोलिए और अपॉन में 2 फैक्टोरियल रखिए और इन दोनों को कैंसिल करा दीजिए। फिर हमें 3, 4, 5, 6, 7 को मल्टीप्लाई कराना है, तो ये आ जाएगा 42 × 20 × 3, तो ये आ गया 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2520। तो 2520 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, विच इज ट्रेमेंडस, यू नो, ये ज्यादा हो गया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे। मान रखिए कि किसी पार्टी में जो है देयर वर 66 हैंडशेक्स और हर पर्सन जो है वो हर एक दूसरे पर्सन से हैंडशेक किया और किसी ने दोबारा हैंडशेक नहीं किया, मतलब कोई भी दो पर्सन दो बारी हैंडशेक नहीं किया। जैसे ए ने अगर बी से एक बारी कर लिया तो अब बी ए से नहीं किया, मतलब हम वैसे काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हमने काउंट किया तो वो जो है डिस्टिंक्ट हैंडशेक कर सकते हैं, तो वो जो है 66 है। लेट अस सपोज आपको दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स वर 66। अब क्वेश्चन ये है कि कितने पर्सन थे हैंड सेक्स हुए हैं, कितने 66। तो अब जो है कितने पर्सन्स थे, हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर, पर्सन्स कितने थे, ये अगर हमें पता करने हैं तो ये जो है कैसे पता चलेगा। तो मान रखिए हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो एन पर्सन्स लिया हमने, एन पर्सन्स। अब जो है हैंडशेक के लिए क्या चाहिए होगा, हैंडशेक के लिए क्या चाहिए होगा, दो पर्सन्स की जरूरत होगी। तो हम जो है NC2 वो जो है कितना दिया हुआ, 66 दिया हुआ, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हैंडशेक्स के बारे में है, मतलब A ने B से अगर कर लिया तो B ने A से जब किया तो दैट इज नॉट बीइंग काउंटेड देयर। तो हमें नंबर ऑफ पर्सन्स अगर चाहिए तो हमने मान लिया इसको N, ठीक है, तो हम N की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा। अब NC2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम N फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू होल फैक्टोरियल कर देंगे, अब इज इक्वल टू 66, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये हो गया, और अपॉन में आ गया टू टू फैक्टोरियल की वैल्यू और एन माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये इक्वल टू 66 हो गया। अब जो है ये बेसिकली एन इंटू एन माइनस वन जो है वो आ जाएगा हमारा 132 के बराबर, ठीक है। अब अगर देखिए 132 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 12 × 11, तो इस तरह से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो यानी कि कितने पर्सन थे हमारे पास वहां पर पार्टी में जो 66 हैंडशेक्स हुए, तो वो जो है देयर वर 12 पर्सन देयर। अब देखिए यहां पर हमने इतना लंबा चौड़ा खोल के निकाला है, अब जैसे अगर मान रखिए इसके लिए शॉर्टकट हम ये यूज करते हैं NC2 के लिए कि आपने इसको कहां तक खोलिए, n को दो बारी खोलिए, n इंटू एन माइनस वन तक खोलिए, ठीक है। दो बारी अगर खोलेंगे तो हमारे पास एक बारी n, दूसरे बारी n माइनस वन आएगा, ये ले लीजिए। उसके बाद जो है यहां पर क्या है 2 है तो 2 से डिवाइड करा दीजिए, तो आप जो है इस तरह से शॉर्टकट वे में निकाल सकते हैं किसी की भी वैल्यू। मान रखिए कि आपको NC3 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कीजिए n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू कराइए और अपॉन में
थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री इंटू टू से, थ्री इंटू टू इंटू वन होता है ऐसे, तो थ्री इंटू टू से ही भी करा दीजिएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो कोई खास बात नहीं है। तो थ्री इंटू टू से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कराना है आपको, जो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर टेन सी थ्री निकालना है तो आप टेन इंटू नाइन इंटू एट लिखिए, ठीक है, और अपॉन में थ्री इंटू टू कर दीजिए। थ्री से ये थ्री टाइम्स में कैंसिल करा दीजिए, टू से ये फोर टाइम्स में, टोटल आ गया थ्री फोर जो ट्वेल्व इंटू टेन तो 120, ठीक है। तो ये हम स्पीडी वे यूज कर सकते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे जब तो वो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि जैसे हम फैक्टोरियल नोटेशंस वगैरह को यूज कर रहे हैं तो हम जो है कितने कम समय में हम कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम रिपीटेड खोल दे रहे हैं चीजों को अगर, तो देर इज नो बेनिफिट, ठीक है। तो एक तो यही शॉर्ट था क्योंकि हम वहीं तक खोल रहे थे जहां तक हमें नीचे से मैच कर रहा था, पर अगर हमारे पास ये है कि ये और भी कम हो गया, तो इस तरह से आप समय बचाने का हमेशा प्रयास कीजिए। कैलकुलेशंस को कितना शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं आप, उसके लिए हमेशा ओपन रहिए। इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, कैट में पूछे जाते हैं, मैट में पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए जो है ये इतना एनफ है। आप अगर बहुत ध्यान से करेंगे तो आप फिर जब प्रैक्टिस करेंगे कोई भी क्वेश्चन का, तो आप बड़े आराम से इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे और वहां पर से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। बहुत ही जल्द हम इसके अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने MNC चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। MNC एजुकेशन चैनल जो YouTube पे है वो आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो जाएं, मिल जाएं। जैसे ही आपको MNC एजुकेशन द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको जो है उसकी सूचना तत्काल मिल जाए। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अगले वीडियो के साथ, साथ ही हमारा रीजनिंग का भी वीडियो, रीजनिंग के भी वीडियो जो है अपलोड किए जा रहे हैं टाइम एंड अगेन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली वो आते हैं, तो आप जो है रीजनिंग के लिए भी और साथ में 11th और 12th के मैथमेटिक्स के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या किसी को रिकमेंड कर सकते हैं अगर वो इनकी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर 11th 12th में है या फिर इवन 10th में भी है, क्योंकि 10th के टर्म 2 की भी अब जो है वीडियोस अपलोड किए जाएंगे MNC एजुकेशन चैनल पे। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।